बॉम्बे बॉम्बे, क्या सब बदल जाए पर दरिया वही रहे। तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया, इसमें दम है, आके थोड़ा नमक चढ़ा। तो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो, और आज का ब्लॉग काफी ज्यादा खास होने वाला, क्योंकि आज का तेरा भाई जा रहा है मुंबई घूमने के लिए। अब तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइज, क्योंकि गाइज इतना दिन हो गया मुंबई आए हुए, पहली बार जा रहा हूँ मुंबई घूमने, क्योंकि वहाँ का नए नए लोकेशन का वीडियो, ताज होटल जैसे हो गया, गेट ऑफ इंडिया हो गया, इसे मैं फिल्मों में ही देखा करता था और बहुत सारे रील्स में देखा करता था बंदे लोग को कि वहाँ जाता है, रील्स बनाता है। तो अपन भी आज उधर ही जाएगा और रील्स भी बनाएगा और ब्लॉग भी बनाएगा, बस आप लोग को वीडियो में बने रहना है और वीडियो के अंत तक बात जरूर करना है। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय अभी के लिए। स्टेशन पे आ गए कल्याण जंक्शन पे, और यहाँ से ट्रेन पकड़ना है, और फिर ट्रेन पकड़ने के बाद सबसे पहले आपको जाना है हाजी अली, जो कि यहाँ का देख सकते हैं गाइस। इतना ज़्यादा खास लग रहा है गाइस, भाई है साथ में ले जा रहा है घुमाने को, काफ़ी यहाँ का गर्मी भी बहुत खास है। तो सुनते आप लोग को वीडियो बने रहना, अभी आपको ट्रेन का वीडियो दिखाना है। तो अभी ये देख लो, ये इतना बड़ा है, यहाँ का पंखा देखो, कितना बड़ा पंखा है, ऐसे लगता है अले इसी से। हाजी अली ये दूसरे जगह आ गया इंडिया गेट, तो यहाँ से आप लोग को इंडिया गेट का घुमाएंगे, पहले यहाँ का आपका नज़ारा दिखाते हैं गाइस। और यहाँ पे एक और चीज़ था, चलिए आपको दिखाता हूँ गाइस मुंबई का बेहतरीन नज़ारा। अपन को बोलने नहीं आते यार, क्या करूँ। चलिए गाइस अभी टैक्सी से उतरे और यहाँ से जाना पड़ेगा गेट ऑफ इंडिया पे, देखते हैं क्या है। तो फाइनली गाइस इधर अंदर आने के बाद अपन लोग को मालूम चला गाइस, यहाँ पे एक वीडियो बना रहा था, पता नहीं गाइस उसको डिलीट करना पड़ा, और मस्त वीडियो था, पर कोई नहीं, इधर का आपका पूरा सीन दिखाता हूँ गाइस। तो देखो ये हो गया गेट ऑफ इंडिया एंड ये हो गया ताज होटल, एंड उसके बगल में क्या है मालूम नहीं, बट कोई नहीं, फिर देखते हैं कुछ यूनिक करके होता है या नहीं। अपन को इधर तो गाइस अभी यहाँ पे ये सब देखा, यहाँ पे देखने का एक और यूनिक चीज़ अपन को नज़र आया है, वो आपको दिखा रहा हूँ गाइस। ये देखो पानिया जहाज, जो अपन लोग सिर्फ वीडियो में ही देख रहा था गाइस, पूरा समुंदर ही भरा हुआ है, इधर से अपन को पूरा नज़र आया। सब बदल जाए। तो फाइनली गाइस आप लोगों ने देख लिया इधर ताज होटल, ये रहा इंडिया गेट ऑफ इंडिया, एंड इसमें से आपको कौन बेहतर लगा वो बतला रहे। इधर पब्लिक लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देख सकते इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी ट्राई करें मुंबई घूमने का अगर आप गाँव से हैं तो, क्योंकि भाई आपको तो भाई घूम लिया, अभी और घूमना है, बस इतना घुमा दिया आप लोगों को। तो गाइस आप लोग बताना कमेंट में वीडियो कैसा लगा, क्योंकि पहली दफ़ा था तो मुझे भी नहीं मालूम कैसा वीडियो बना है, अब देखने के बाद मालूम चलेगा वीडियो कैसा है। तो गाइस आप कमेंट में बताना, अभी इतना ही है, समुंदर इलाका तो आइए गाइस आपको घुमा रहा समुंदर इलाका। ये बॉम्बे बॉम्बे, क्या सब बदल जाए पर दरिया वही रहे।
तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूँ, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चला। तो फाइनली गाइस इधर अपन लोग का घूमने के बाद फोटो वोटो शूट करने के बाद अपन लोग जा रहे हैं बांद्रा। बांद्रा से जाना है मैरिन ड्राइव पे, मैरिन ड्राइव जाना है ना भाई, बांद्रा स्टेशन पे जाना है। वहाँ के बाद देखते हैं कहाँ जाना है। तो यहाँ पर व्यू आपको कैसा लगा बता देना। तो बाय बाय, मिलते हैं बांद्रा स्टेशन पे। तो अभी मेरा भाई मैरिन ड्राइव पहुँच गया और यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं गाइस। इधर का गाइस देख सकते हैं व्यू, साले लोग सब लोंडियाबाजी कर रहे हैं सब। ये हो गया समुंदर। इधरी का वीडियो बहुत वायरल होता है गाइस, सब लोग इधर ही बैठ कर पीस लेते इधर मुंबई स्टेडियम। इधर भाई वो रहा मुकेश अंबानी का घर ब्लैक वाला। इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा व्यू वायरल होता है, अभी जाना है कोई कोई तो गाइस आप लोग कमेंट में बताना वीडियोस कैसी लगी है। यहाँ का मतलब घूमेंगे और इधर से फिर किधर और जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि अभी वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है। पता नहीं कैसा वीडियो जा रहा है, पहली बार इतना बड़ा शहर में घूम रहा हूँ नए नए जगह पे। तो अभी के लिए इतना ही, देखते आगे का वीडियो कैसा होता है। तो बस अभी देखते हैं क्या क्या करते हैं, फोटो वार खिंचाएँगे इधर और तब इधर से घर जाएंगे। बाय बाय। तो गाइस अभी अपन मैरिन ड्राइव के ब्रिज पे घूम रहे हैं, जो देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रिज है, यानी बहुत बड़ा ब्रिज है। बस इधर का पब्लिक लोग का शर्म लिहाज सब खो गया यार। उनके एक शॉर्ट में देखिए गाइस, साला सबके सामने नाम नहीं ले पाते, बट कोई नहीं, अपन घूम रहे इधर, कुछ वीडियो बनाएंगे, कुछ फ़ोटो शूट करेंगे, उसके बाद अपन घर जाएंगे। तो कल सीन दिखा देते हैं, ये देख लो अभी बहुत कम है, अपन ईद के समय आएंगे इधर गए, बोले ना अपन ईद के समय आएंगे इधर देखना कितना ज़्यादा भीड़ रहेगा। इस सब पे फोटो लेना है, इस सब पे फोटो लेना है, वीडियो बनाना है, रील्स पर से पब्लिक लोग का रिएक्शन वीडियो अपन को बनाना है। कब तगड़ा घूमने वाला वीडियो बनाऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग अभी इधर ही में रहेगा, बट इधर किधर जाने का मेरे भाई से पूछेंगे, फिर ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे। बाय बाय। अभी अपन लोग पूरे घूम लिए हैं मैरिन ड्राइव और ताज होटल और इंडिया गेट। अभी जा रहे हैं दादर स्टेशन, क्योंकि अभी ट्रेन में अपन बैठे हुए हैं। यहाँ के बाद देखते हैं चलता है किस समय, तब तक वेट करते हैं जब तक आप बने रहते हैं। आप लोग गाड़ी नहीं जा रहा है गाइस स्टेशन पे, अपन दूसरा गाड़ी पकड़ते हैं। अगर कोई नहीं टिकट भी बनाना होगा तो आप लोग वीडियो में बने रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। ये देख लो शाहरुख खान का घर है और इधर बैंड स्टैंड। तो ये आपको पूरा बैंड स्टैंड दिखाते हैं। तो गाइज देखो भाई किधर ले जा रहा है, ऐसा जगह है जिसमें हम लोगों का ज़रूरी नहीं है फिर भी जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को वीडियो बनाना, अपन लोग को क्या काम है इसमें, बट कोई नहीं भाई जा। तो गाइज आ गए है, इसको कौन सा पार्क बोलते हैं अभी तक मालूम तो नहीं चला, बट इधर का व्यू काफ़ी ख़ास है यार, देखने में मज़ा आएगा। अभी आप लोग को दिखाऊँगा नहीं, सबसे पहले मैं लिया चल जाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा व्यू, आप लोग व्यू देखकर ही जाना। अभी के लिए चलते हैं।
कभी कभी ये लोकेशन अपन व्यू फिल्मों में ही देखा करते थे गाइस, जब अपन खुद यहाँ पे है ये देख लो। तो फाइनली मेरा व्लॉग कंप्लीट हो गया, अभी अपन घर की ओर जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी रात हो गया है, सुबह निकले हुए थे, अभी जा रहे हैं घर पे। बस आप लोग कमेंट में बतलाना वीडियो कैसी लगी, नए नए लोकेशन का वीडियो डालेंगे आपसे, क्योंकि अपन को मालूम भी नहीं था, इसीलिए भी ये सब लोकेशन अपन फिल्म में ही देख रहा था, मालूम भी नहीं था कि हम ऐसे ऐसे लोकेशन पर घूमने आएंगे। बस भाई की वजह से आया, भाई लेकर आया इधर घुमाने के लिए, यही मुंबई बुलाया था, आपको पहले ही बतला गया है। तो बस ऐसे ऐसे आप ब्लॉग आएगा, तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।